तो हे गाइस, कैसा आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियोस। तो गाइस, आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ पोकेमॉन यूनाइट। तो गाइस, मेक श्योर जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं डोडरियो के साथ और इसके हम लोग दो अटैक्स मूव ट्राई करने वाले हैं। पहला है ड्रिल पैक और दूसरा है जंप की। और हाँ गाइस, ये एक स्पीड स्टार होने वाला है और मैंने डोडरियो के ऊपर होल्ड करा के रखे आइटम्स वो है यहाँ पर, मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर मसल बैंड, रेजर क्लो और अटैक वेट। क्योंकि गाइस, आपको पता ही होगा अगर आप लोग इसे चलाना सीख जाओगे तो बहुत गंदा डैमेज करेगा सामने वाले एनिमी के ऊपर। और यहाँ पर वर्ड्स मैं फार्म कर लेता हूँ, यहाँ पर लेवल, यहाँ पर मुझे फटाक से लेवल 5 का होना है। और हाँ गाइस, वीडियो एंड तक देखना मत भूलना क्योंकि इसमें ऑसम क्लचेस होने वाले। और हाँ गाइस, आपको इंट्रो कैसा लगा वो भी कमेंट करना, बताना मत भूलना। तो चलो गाइस, आप फॉरवर्ड से सबको पीटते। और हाँ गाइस, ये एक सोलो रैंक खेल रहा हूँ मैं अभी, तो अब इन्हें नहीं छोड़ना है गाइस। ओके, ये लोग अभी हमारे यहाँ पर फार्म कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको भी दिखाते हैं अभी हम। आ जाओ आ जाओ, कौन है यहाँ पर? ओके, यहाँ पर ये फार्म करता हुआ, इसे भी हम लोग छीन लेंगे। यहाँ पर मैंने मार दिया है, ये भी उठ गया, इसे 1v2 करता हूँ। चलो गाइस, ठीक है राउलेट, तू मुझे बैकअप देते रहना। अगर गाइस अपने साथ रैंक मैच में डेसिडू आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना स्पिरिट साइकिल से आराम से हमें बैकअप दे सकता है ये। तो फटाफट से मैं गोल्ड डाल देता हूँ। ओके, पूरे एल्टारे का झुंड आ चुका। गाइस, आपने देखा अभी ड्रिल पैक मैंने एक बार मारा, पूरा गायब। ओके, मेरा रूप लेके आ चुका, कोई बात नहीं, इसे दिखा दो। देखो गाइस, ये ख़त्म ख़त्म। गाइस, आपको सिर्फ एक बार ड्रिल पैक इस्तेमाल करना और ख़त्म। और हाँ गाइस, इस पोकेमॉन का थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि जो इसका जॉयस्टिक है हमें इसे मूव करना होगा, जहाँ मूव होगा वहीं पर ये मारेगा। बाकी सब पोकेमॉन में क्या होता है कि जो इसके अटैक्स देख लो, जैसे कि इसका स्पेशल अटैक आप लोग देख सकते हो, जैसे कि क्विक अटैक, ड्रिल पैक, जहाँ मैं वहाँ उन्हें मूव करूँगा तो वो भी हमारा पोकेमॉन वहाँ मूव करेगा। पर इस पोकेमॉन का थोड़ा सा अलग है सीन, जहाँ पर मेरा जॉयस्टिक में मूव करूँगा वहीं पर वो पोकेमॉन जाएगा। और हाँ गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरा हेल्थ का बार है उसके नीचे ब्लू कलर का एक लाइन आ रहा है, उससे गाइस मेरी मोमेंटम स्पीड बढ़ जाएगी और डैमेज भी उन्हें बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि मेरा ड्रिल पैक है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज तक सबको डैमेज देगा, वो भी लगातार, और दुश्मनों को समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। ओके, आप और ओरशिफी को देख लो गाइस, गेम रोस्टर नाम है इसका, कोई बात नहीं, शायद ये यूट्यूबर है क्या, है क्या पता, इसे भी हम इससे रिवेंज और बदला लेंगे कोई ना। ओके, ऊपर पुश आ चुका है, नीचे गोल्ड टूट चुका है, तो नीचे अभी जाके कुछ फ़ायदा है होने वाला है नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही जाता हूँ। और हाँ गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि इसका अटैक्स कैसे इस्तेमाल करना है। समझो मेरे पास जंप किक है, अगर मैं जंप किक मुझे यूज़ करना है सामने वाले बंदे के ऊपर, अगर उसे जंप किक लग जाएगा तो जो मेरा ड्रिल पैक है वो तो हो जाएगा रिकवर, और जंप किक भी रिकवर हो जाएगा। आप लोग दो बार जंप किक कर सकते हो इस्तेमाल। देखो गाइस, मैं अभी आपको बताना पड़ेगा, पर यहाँ पर कोई बंदा आ नहीं रहा है मेरे पास, कोई ना, ऊपर रेजी लेके आ चुका है, हमें फॉरवर्ड से काम करना पड़ेगा। ये रैंक मैच और सोलो, आपको पता होगा टीममेट अच्छे मिलते हैं नहीं, पर ये बार देखते हैं टीममेट कैसे हैं। ओके, अबे यार इसने मिस कर दिया, कोई ना, यहाँ पर मैं छुपे रहता हूँ, बस इन्हें एक बार गोल करने आने दो, सबको ढप्पा मिलने वाला है। अबे यार, ये वाला मैंने मिस कर दिया, शायद ये जो मैंने मिस किया अटैक है मुझे बहुत महंगा पड़ने वाला। और हाँ गाइस, अगर आप लोग को समझो आपके ऊपर 5 बंदे ने पुश कर लिया, तो गाइस कोशिश करना अगर आप लोग उसे पीछे से सरप्राइज कर दोगे पीछे से,
तो उन्हें भागने का मौका मिलेगा नहीं, पीछे से आप भी मारेगा और आपके टीममेट भी मारेंगे। ओके अबे क्या लपेट रहा है यार वो, और शिफु देख रहे हो गाइस, पर मैं देख रहा हूँ गाइस वन एच पी यू में फिर भी लड़ रहा हूँ, कोई नहीं इससे आराम से निकाल लेंगे हम लोग। चल खत्म, यहाँ पर मेरा आ चुका यूनाइट मूव, देख रहे हो गाइस विथ एक्यूरेसी गाइस, देख रहे हो एक ही झटके में खत्म। इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा हार्ड है, पर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी सीख जाओगे इसे कंट्रोल करना। कोई ना, ओके बस कोई आए ना मैं देखता रहता हूँ, नहीं तो कोई भी आएगा तो लास्ट हिट मार लेगा तो और इसे फार्म कर लेगा, पर कोई ना हम लोग को मिल चुका है हमारा रेजिली की, इसे थोड़ी मदद मिलेगी। अगर आप लोग ने स्टार्टिंग में रेजिली की फार्म कर लिया तो आपको आपका 50% मैच तो आपके हाथ में, तो 50% तो पता ही है जो लास्ट में आता है हमारा रेक्वाजा। ओके कोई है नहीं, फटोट से फोर्टी डाल देता हूँ मैं, ये ख़त्म, चल डल जा ये, चलो डल गया। ओके 40 हो चुका है, नीचे पुश आ चुका है, मुझे नीचे जाओ कि ऊपर जाओ, नहीं नीचे जाके कुछ फ़ायदा भी होने वाला है नहीं, मुझे पता है कि सारे बंदे ऊपर आने वाले हैं, अभी पुश होने वाला है ऊपर, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। देख रहे हो गाइस दो, एक दो तीन बंदे आ चुके हैं, कोई बात नहीं तीनों को निकालूंगा मैं, ये ले चलो गया। अच्छा ओके रेक्वाजा, अच्छा ये तो गया, अज़रुरक तो गया, अभी ओशिफू भी चला गया, चलो सही है। ओबे देख रहे हो गाइस पूरा घास चेक करना पड़ता है, देख रहे हो अगर मैं चेक नहीं करता तो ये 40 प्लस डालने ही वाला था गोल्ड, अपना यूनाइट मूव भी इसने वेस्ट कर दिया, अब ये भाग नहीं सकता। आजा भाई आजा, शील्ड इस्तेमाल कर रहा है ये, कोई नहीं चल ले ख़त्म भाई, घास भी चेक किया करो गाइस। ऐसे ऐसे बंदे यहाँ कैम करके खेलते बाद में 40 प्लस कर देता, कोई नहीं अब फर्स्ट में नीचे चले जाता हूँ, नीचे तो कोई है नहीं ना। ओके अब 36 डाल देता हूँ, ये शायद से गोल्ड टूट जाना चाहिए। ओके चार बचा हुआ है, कोई तो घास में छुपा हुआ है, ले ख़त्म। चलो यहाँ पर मैंने रिएक्शन को मार दिया, क्या मैं इसे मार सकता हूँ, अबे रुक जा यार कितना हिल रहा है ये, अबे इसके बाद डबल टीम है यार, इसके पास अगर सर्फ होता ना मैं आराम से इसे निकाल देता था। यहाँ पर भाग चुका है, पर गाइस आपने देखा ना मैंने यूनाइट मूव कैसे इस्तेमाल किया एक ही बार में। डायरेक्शन पहले आप लोग डिसाइड कर लेना, आपको कितने लेंथ में इसे ड्रैग कर लेना, पहले से आप लोग इसको स्काउट कर लेना, ड्रैग करके इस यूनाइट मूव को इस्तेमाल करना, नहीं तो फिर वेस्ट हो जाएगा। अफोर्ड्स में ऊपर जाना पड़ेगा, वापस से ऊपर रेजी लेके आ चुका है, बट ऊपर चारे जाड़े, ये टीम में थोड़ी सही लग रही है मुझे। ओके नहीं यहाँ पर तो छुपा हुआ है, ओके कहाँ जा रहा है, अच्छा अबे अपना यूनाइट इस्तेमाल कर लिया इसने रिएक्शन ने, पर हम लोग देख रहे हो गाइस जो इसका जंप की के ये सामने वाले बंदे को स्टन भी कर देता है थोड़ा, एक सेकंड के लिए आधा सेकंड के लिए, तब तक मैं अपना दूसरा अटैक भी मार लेता हूँ। गाइस देख रहे हो मैंने अपना ब्लू बार पूरा भर लिया, अब देख रहे हो गाइस पूरा रिकवर हो गया, अब मार दिया इसने 1v3 कर दिया, कोई ना इससे बदला लूँगा, इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी हमारा भी गोल्ड दो गोल्ड टूट चुका है, इतना इंटेंस हो रहा है यार, इतने खतरनाक बंदे आ चुके सामने। अबे यार आगे क्यों जा रहा है ये, अबे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, तुझे आगे जाना नहीं चाहिए था यार, तू डेसिडू आए तू पीछे से बस स्टील करने का काम कर, अभी तू यार अभी क्या बोल यार कैसे कैसे बंदे आ रहे, और तुम ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर शायद से स्टील हो जाएगा। गाइस देख रहे हो 10 सेकंड के अंदर रैंक मैच में गाइस यही होता है, 10 सेकंड के अंदर ही ना ये लोग सब स्टील करके ले लेते, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं नहीं, यही होता है, इतने इतने प्रो बंदे मिलते यार आगे। ओके ये ले चल तू गया, अब निकल जाए यहाँ से। ओके जैशिन को देख रहे हो गाइस, ये ले तू भी ले 1v2। ओके कोई तो घास में छुपा हुआ है, हम चारों लोग की नज़र के नीचे से भाग रही है, पर मैंने इसे भी मार दिया। और शिफू को यहाँ पर यूनाइट मूव इस्तेमाल करते हुए, चलो भाई खत्म 1v4 गाइस क्या कर रहे हो। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि आपके लिए ला चुका हूँ मैं यहाँ पर डोड्रियो का गेम प्ले। अब मुझे 50 गोल्स डालने कैसे भी करके, बस इन्हें पता ना चले, सबका ध्यान ऊपर बटा के रखो, मैं तब तक यहाँ 50 प्लस कर लूँ। ओके ऊपर शायद तीन बंदे चार बंदे हो गए, शायद मैं अभी जा सकता हूँ यहाँ तो अब कोई आना नहीं चाहिए। ओके ऊपर पूरे के पूरे पांच बंदे, यहाँ पर मैं 50 प्लस कर सकता हूँ, जल्दी से टैलो फिर दूसरी कर लिया अपना 25 प्लस, थोड़ा सा मुझे बीच में जाना पड़ेगा क्योंकि फाइनल स्ट्राइक आ चुका है और यही फाइनल डिसाइड करेगा कि हम लोग जीतेंगे या हारेंगे। ओके जैशन आ चुका है यहाँ पर गोल करने के लिए, कोई ना रुक जा तेरे को अंदर की तरफ ढकेलता हूँ मैं, ले खत्म चल। अबे ये कहाँ भाग रहा है, ये ले तू भी चल खत्म। ओके कोई तो घास में छुपा हुआ था, अबे यार वो शुक्र हो यार, ये तो अपना यूनाइट मूव ऑन कर लिया इसने, उस जा चले ये भी गया, ब्लास्टोइज भी हमें अच्छा बैकअप देते हुए।
गाइस सब लोग पीछे रुके हुए, सबको स्टील करना है, लास्ट हिट मारना है बंदो लोगों को सामने वाले, पर हमने पर हम लोग उन्हें देंगे नहीं जीतने। ओके यहाँ पर यूनाइट इस्तेमाल कर लिया है, डैशी डुआ ने एकदम सही किया है, नहीं तो कोई भी चुरा लेता था 100+। अबे कहाँ जा रहा है तू, ये ले पकड़। चलो ये भी चला गया। ओके नीचे पहले से ये लोग हम लोग का रास्ता ब्लॉक करके रखे, कोई बात नहीं। देख लो गाइस गोल्ड डाल सकता हूँ मैं, मुझे क्या रोकेगा। अभी जल से 1v1 में निकालता हूँ, रुको ये बहुत मुझे मारा था ना, एक जल से दिखाता हूँ मैं। आ जा इधर आ जा, बस ये ले पकड़। ड्रिल पैक ख़त्म, आ गया, रिकवर हो गया मेरा ड्रिल पैक वापस से, ख़त्म। चलो अबे क्या मारेंगे ये लोग। और हाँ गाइस इसका जो गोल्ड डालने का टेक्निक है वो थोड़ा सा यूनिक है, अगर आप लोग से बीच में भी आप लोग यहाँ पर इसे रोक सकते हो, 3 में डिवाइड होता है ना इसीलिए, तो आप लोग अपने बंदे लोगों को भी चांस दे सकते हो गोल्ड डालने के लिए। यहाँ पर मैंने यूनाइट मूव इस्तेमाल कर लिया है, 2 बंदे यहाँ पर निकल चुके हैं। अब मुझे थोड़ा सा अपने बेस में जाना चाहिए, इतने भी हवे में नहीं उड़ना चाहिए यार, नहीं तो अभी वो लोग मैच पलट सकते हैं। थोड़े से मुझे अपना गोल अपना सेव करना है थोड़ा। देख लो गाइस उनके सारे बंदे आ चुके हैं। ओके बस मुझे यहीं पर रुकना है। और गाइस हाँ जो इसका यूनाइट मूव है गाइस, समझो आप लोग यूनाइट मूव इस्तेमाल कर रहे हो और आपके आगे आपका बंदा है, आपका टीममेट है, आप लोग उसे साथ में लेके जा सकते हो, पुश कर सकते हो, तो ये सही होगा, आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा और उसका भी स्पीड बढ़ ही जाएगा। अबे यार 3, 2, 1 अबे यार बच गया मैं, ये तीनों बंदे मुझे मार सकते हैं, पर कोई ना, मैच ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं रिजल्ट, देखते हैं हम लोग ने क्या किया है अभी। अबे जल्दी से दिखा दे, तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने गोल किया है 849 और एनिमी का है 268। यहाँ पर गोल्स देख रहे हो हमारा, सोलो गोल 18 किल्स और 285 गोल्स, 1995 पॉइंट्स। और हमारे टीममेट में बोलोगे तो टैलो फ्लेम ने सही खेला है, और दुश्मनों के तो ओर्शिफू ने सही खेला है और जैशियन ने भी सही खेला। गाइस देख रहे हो जैशियन, ओर्शिफू, ज़रूरत, 3 ऐसे पोकेमॉन है गाइस, एक मैच में तो इम्पॉसिबल होता है जीतना, पर गाइस यहाँ पर हम लोग ने फाइनली उन्हें हरा चुका। और डैमेज गाइस देख रहे हो 1,05,000 का डैमेज, और यहाँ पर 5 मेडल्स। तो चलो गाइस, तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में पोकेमॉन यूनाइट के रिलेटेड, तब तक के लिए गुड बाय।